एक्सरसाइज 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबक। इसका 19वां नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फलक्स क्या? तो परिभाषा है किसी पदार्थ के लंबवत क्षेत्रफल, ठीक है, तथा उसके चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल को चुंबकीय फलक्स कहा जाता है और इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए इसका चित्र बनाते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हुआ, जो तीर का निशानी सब देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या से बी से सूचित करते हैं, और ये जो गोल देख रहे हैं एक पदार्थ है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ये है कितना, ए है, क्षेत्रफल कितना है ए है। तो क्षेत्रफल लिए है इसका दो अवयव होगा, एगो इस तरह से होगा और इसी का एक अवयव इस तरह से होगा, ये कोण बन रहा थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा अवयव, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा अवयव, ठीक है। तो हमको निकालना है फाई, फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना, फाई का मान निकालना, ठीक है। तो चलिए पहले चित्र से लिखते हैं। क्षेत्रफल ए लंबवत क्षेत्रफल ए कॉस थीटा तथा पदार्थ को डी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यह चुंबकीय फ्लक्स आई। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा कैसे, चुंबकीय फ्लक्स के लिए आपको बताया किसी पदार्थ के क्या होगा, किसी पदार्थ के यहाँ देखिए लिखा हुआ लंबा क्षेत्रफल, लंबा तो क्षेत्रफल अगुण है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, दोनों का गुणनफल है, इसको क्या से आई से, लंबा क्षेत्रफल सीधे खड़ा वाला जो है वही लंबा क्षेत्रफल होता है, ये खड़ा है तो ए कॉस थीटा इनटू चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ बी आई का हो गया ए बी कॉस थीटा, यही हो गया चुंबकीय क्षेत्र। यदि चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। चलिए इसका बीमा और इकाई बता देते हैं। चलिए इसका बीमा देखते हैं, आई का बीमा, तो यहाँ लिखिए बीमा आई क्षेत्रफल, ये देखिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का बीमा कितना होता है प्लस पर, और क्या चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है तो इसका हो गया बीमा एम एल स्क्वायर एन प्लस हो गया ऐसा यूनिट में डब्ल्यू का मतलब होता है, ये हो गया इसका बीमा।